नमस्कार, मैं डॉक्टर अवनी गुरी टूथ एंड स्माइल डेंटल केयर एंड इम्प्लांट क्लिनिक की तरफ से आपके लिए कुछ जानकारी लेके आई हूँ। ये जानकारी जानना बहुत जरूरी है अगर आपके बच्चे छोटे हैं या फिर कॉलेज में है। आजकल एक नई चीज निकली है जिसको इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट बोलते हैं, और जब हम इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट यूज करते हैं उसको वेपिंग बोलते हैं। ये बच्चों में आजकल बहुत कूल हो गया है, उनको लगता है कि ये फैशन है तो हमें करना चाहिए। तो इस वजह से हमारी क्लिनिक ने एक कैंपेन रन किया है जिसमें हम ये जानकारी देके बच्चे और उनके पेरेंट्स को बताते हैं कि क्या हानिकारक है इसमें, और हम उनसे साइन लेते हैं, प्लेज लेते हैं कि वो वेपिंग नहीं करेंगे। अब ये वेपिंग होता क्या है? एक ई सिगरेट रहता है, इलेक्ट्रिक सिगरेट बोलते हैं इसको, जो एक्चुअली इंडिया में बैंड है, आइडियली नहीं मिलना चाहिए, पर अनफॉर्चुनेटली पान की दुकानों पर या स्कूल में कोई ब्लैक मार्केट कर रहा है, दूसरे बच्चे कर रहे हैं, बड़े बच्चे छोटे बच्चों को दे रहे हैं ज्यादा पैसा लेके, ऐसा इलेक्ट्रिक सिगरेट मिलता है। उसमें एक लिक्विड डालते हैं और हीट करते हैं, उसको गर्म करते हैं, और फिर उसका धुआं बनता है। अभी वो जो लिक्विड है वो अलग अलग फ्लेवर में मिलता है, जैसे कि बबल गम फ्लेवर है, क्रैनबेरी फ्लेवर है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, मिंट फ्लेवर है। तो बच्चों को उसमें मजा आ रहा है, उनको लगता है कि हम सिर्फ अच्छा अच्छा फ्लेवर्स ले रहे हैं मुंह में, जैसे कि हम मिंट वाला बबल गम लेते हैं या स्ट्रॉबेरी वाला बबल गम लेते हैं, तो उनको वो टेस्ट अच्छा लगता है। उनको नहीं पता है कि ये चीज कितनी हानिकारक है, तो ये हम आपको बताना चाहते हैं। आपके लंग्स में जाता है, आप कुछ भी फूंकते हो तो वो आपके सीधे फेफड़े में जाता है, और इसमें ऐसे पदार्थ, ऐसे केमिकल्स है जो आपके लंग्स को डैमेज करता है, जैसे कि एसीटोन रहता है और काफी कुछ खराब केमिकल्स है जिससे लंग्स खराब होते हैं। हम वैसे भी कोविड के बाद की जिंदगी जी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम सबके जो लंग्स है उसमें कुछ ना कुछ डैमेज जरूर हुआ है। तो क्यों हम चाहते हैं कि और डैमेज हो ये वेपिंग करके? जो बच्चे वेपिंग करते हैं, भले उसमें तंबाकू या निकोटीन नहीं होगा, वो आगे जाके 3 गुना चांस है कि वो लोग सिगरेट स्मोकिंग करेंगे। तो इसके लिए जानना बहुत जरूरी है। और बच्चे लोग नॉर्मली बिकॉज दूसरे बच्चे कर रहे हैं फिट होने के लिए या कूल दिखने के लिए, कि वो लोग कर रहे तो हम क्यों नहीं कर रहे, इससे तो कुछ हानिकारक नहीं है, उस वजह से बच्चे फिट कर मतलब दूसरे बच्चों के साथ मिक्स होने के लिए भी वेपिंग करते हैं। तो पेरेंट्स को ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर आपके बच्चों ने शुरू नहीं किया, अगर वो 6ठी कक्षा में है, अराउंड 11 साल के है, तो उनको बताना शुरू कीजिए। 3 साल पहले जब हम लेक्चर लेते थे कॉलेज में तो सिर्फ कॉलेज के बच्चों को पता था वेपिंग के बारे में, पर आजकल जब हम बात करते हैं तो 7th स्टैंडर्ड के बच्चों को भी पता है और ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि बच्चे शुरू करें वेपिंग, उसके पहले उसके बारे में जानकारी दे दो और पेरेंट्स को बताना चाहिए। अब राह मत देखो कि बच्चों को कहीं और सोर्स से, गलत सोर्स से उसको इन्फॉर्मेशन मिले, तो उनको बताइए कि अगर आपको कोई ऑफर कर रहा है ऐसा इलेक्ट्रिक सिगरेट एक पफ लेने के लिए तो मत करिए, आपके लंग्स खराब हो सकते हैं और फिर उसका ट्रीटमेंट बहुत डिफिकल्ट है। आपका एक महत्वपूर्ण ऑर्गन है वो बॉडी का। तो और बच्चों को भी हमने बताया, हमने ये 15 दिन से कैंपेन रन किया है, हम पेरेंट्स को और छोटे बच्चों को बताते हैं कि आप ये मत करना, आई से नो टू वेपिंग, ये प्लेज साइन करो, और आसपास भी ये जानकारी आप फैलाइए, आपके यहाँ पे और छोटे बच्चे हैं या कॉलेज में और जो कर रहे हैं वेपिंग, उनको भी समझाइए कि ये गलत चीज है, आप मत करो, इससे आपके बॉडी को बहुत नुकसान हो सकता है। तो थैंक यू, और ये जानकारी हम आप तक भी पहुंचा रहे ताकि आप भी आपके आजू बाजू में ये प्लीज इंफॉर्मेशन स्प्रेड करिए कि वेपिंग अच्छी चीज नहीं है और इसको बंद करिए। थैंक यू सो मच।